गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो, यस हाँ, गुड मॉर्निंग सर। स्टार्ट सर। यस ओके मैडम। गुड मॉर्निंग सर। ओके ओके गुड मॉर्निंग एवरीबडी। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन एजुकेशन मीडियम इंग्लिश स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट वर्क एक्सपीरियंस इंटरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज यूनिट पिनविल। माय नेम इज विद्याधर मात्रे, वर्क एक्सपीरियंस टीचर टीवर्ड। माय स्कूल नेम इज गौशाला मार्ग MCGM UPS English School Mulund West. Student, dear God, help me spend today with a smile on my face, love in my heart, joy is grace, and my thinking cap on all day. Unit interest based activities pinwheel. Spin or rotate like a pinwheel. Learning outcomes: make use of material available in the surrounding to create an article. Creation is also done by using some modern ideas. Let's know what a pinwheel is. Observe: pinwheel made using various color papers. Learns what all material goes into making a pinwheel. Understand the steps to make a paper pinwheel. Experience the joy of making a pinwheel on their own. Student, steps make your own pinwheel. This is a diagram. Begin with a square of paper. Fold your square corner to corner. Then unfold. Make a pencil mark about 1/3 of the way from center. Cut along fold lines. Bring every other point into the center and stick a pin through all four points. यहाँ जो आपको मैंने diagrams दिए है वो diagram आप देख के भी pin wheel बना सकते हैं। कैसे measurement लेना है? 15 by 15 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर पेपर है वो स्क्वायर पेपर से ये हम पिनव्हील बना सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा कटिंग है, ओके, ये आप देख सकते हैं बाद में, ओके। नेक्स्ट, अभी आपको स्टेप्स कौन से यूज करने हैं। यहाँ देखो, फर्स्ट पिक्चर में एक पेपर लिया 15 by 15 सेंटीमीटर, वहाँ कट कहाँ करना है, ड्रॉ कहाँ करना है, पॉइंट कहाँ करना है, वो तो सब दिया हुआ है। और सेकंड पिक्चर में कटिंग दिखाई दिया है, कट कहाँ करना है और पेस्ट कहाँ करना है और मॉडल का हिसाब ना तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप ये जो वीडियो है ये वीडियो आप देख सकते हैं। कभी जब भी अपना लेसन होने के बाद यूट्यूब में वो आता है, कभी हमें ये पॉज पॉज करके ये देखना है। स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश मीडियम ये यूट्यूब चैनल पर आपको दिखाई देगा। सेकंड जो है, आपको मैंने एक होमवर्क दिया है, ये थोड़ा अलग पिनव्हील है, थोड़े वेरिएशन है उसमें। मेथड वही है, स्टेप्स वही है, लेकिन पेपर जो है वो जरा ज़्यादा है उसमें। हमें एक पेपर में यूज़ करने वाले हैं, ये 2 पेपर का पिनव्हील है, ओके। ये हमें ट्राई करना है घर पे। इसमें डायग्राम दिया हुआ है,
कि कट कैसा करना है, जॉइंट कैसा करना है, इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। हर एक टाइप का अलग अलग पिनव्हील रहते हैं, अब अपने ओन आइडिया से भी पिनव्हील बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ने बताया वही सेम करना है, योर आइडिया। ओके नेक्स्ट, ये जो पिनव्हील है ये हमें आज बनाना है। ये टू कलर का पिनव्हील है, यहाँ फोर कलर दिखाई दे रहा है। वो क्या है, टू वे पेपर यूज किया है, लेकिन हम जो पेपर यूज करेंगे नॉर्मली आपके पास जो पेपर है वो पेपर से हमें बनाना है। ओके तो मैं अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन। चल देखो, आपको मैं एक पिनव्हील दिखाता हूँ। ये जो पिनव्हील है ये थोड़ा अलग है, स्टेप्स वही है लेकिन ये बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। सिंगल कलर पेपर है, ओके ये थोड़ा डिफरेंट है। और दूसरा जो है ना ये थोड़ा सा और अलग रहेगा। ये देखो, ये भी पिनव्हील ही है, ये ईयर से ऐसे, ये देखो ऐसा डन। ओके हमें क्या करना है, ये आज बनाना है, ये भी बनाना है, देखते कौन से बनता है। और जो एक्चुअली आपको मैंने डायग्राम दिखाया तो डायग्राम का ये जो है ये है, ये डायग्राम कैसा निकालना है ऐसे हम कर सकते हैं। ओके छोटा सा डायग्राम भी आना चाहिए आपको, आप थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, आपको पट्टी का मेजरमेंट मालूम है। ओके वहाँ भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करना है, सबसे पहले हमें कौन से भी पेपर लेना है, कौन सा भी कलर रहेगा आपके पास जो पेपर है वो पेपर से हमें बनाना है। हम कैसे बनाएंगे अभी देखो, हम कैसे ये बना सकते हैं। ओके अब थोड़ा कैमरा में रिवर्स किया आज क्या वो ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम है कैमरे का। अभी समझो मेरे पास एक पेपर है, ये पेपर ये पेपर है, नॉर्मल पेपर है ये। इससे हमें क्या करना है, देखो ये कॉर्नर में हमें सबसे पहले फोल्ड करना है, ऐसे हम फोल्ड करें। उसके बाद देखो ये सबसे पहला ये स्क्वायर जेड में रखना है, कलर आउटसाइड है, ये इनसाइड हमें व्हाइट कलर दिखना चाहिए। ये नॉर्मली ऐसा पेपर आपके पास रहता है। अभी हमें क्या करना है, पेपर थोड़ा टर्न करना है और यहाँ ऐसे एक फोल्ड बना के लेना है। क्या करना है, फोल्ड बना के लेना है। इसके बाद पेपर ओपन करना है, पहले बोला था मैंने फोल्ड अनफोल्ड। ओके इसे पेपर टर्न करना है, ट्रायंगल में फोल्ड करना है। ये इतना स्टेप्स होने के बाद हम आगे क्या करेंगे, अभी ये ओपन कर रहा हूं मैं। अभी आपके पास एक पट्टी रहेगी, पट्टी और पेंसिल आपको लेना है, और जहां ये जो है लाइंस वह हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है हल्के हस। ये आपको टोटली डायग्राम से बता रहा है, फोल्ड से भी होता है। देखो ऐसे मैंने ये लाइंस जो है दो ड्रॉ किया है। अभी हमें यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट, अभी यहां से अंदाज से 2 सेंटीमीटर
डिस्टेंस छोड़ना है हमें 2 सेंटीमीटर नहीं, तो ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, खाली पिंच करना इधर, वन देखो मैंने खाली इधर मार्क किया, उसके बाद ये जो है ये इसको मिला दिया सेंटर को, यहाँ मार्क किया, ऐसे भी हम कर सकते हैं, यहाँ मेरे को मिल गया मेरा पॉइंट जो था वो मिल गया। आपके पास स्केल है, स्केल से आप गिन सकते हैं तो 2 और 5 अढ़ाई सेंटीमीटर जो रहता है वो हमें मार्क करना है, नहीं तो अंदाज से करेगा चलेगा, लेकिन हमें क्या है 2 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है सेंटर से वो छूटना ही चाहिए, बस ये इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट हम कट भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर जो व्हील घूमने वाला है ना घूमने का प्लेन ही हो जाएगा एयर पे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको सबको पता है ये सब इजी है, सब इजी है, लेकिन क्या है जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तभी इजी रहे। अभी मैं यहाँ से कट करता हूँ, हाँ तक कट किया जब पॉइंट मैंने मार्क किया वहां तक, यहाँ से ऐसे कट कर, कटर नहीं यूज करना है ध्यान में रखो, ओके। हाँ एक बात ये देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से का जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर रखो, ये 2 सेंटीमीटर, ये और 4 साइड 2 सेंटीमीटर सेंटर से, ओके ये ध्यान में रखो। अभी क्या करना है ये अपना हो गया, अभी इसको कोई फोल्ड नहीं करना है ज्यादा, इधर भी क्रीज नहीं चाहिए उसको, अभी ये प्लेन ही रखना है। आपके पास ऐसा एक कॉइन रहेगा 1 रुपए का 2 रुपए का, इसे हम राउंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे एक पेपर राउंड तैयार करके लेंगे, कौन सा भी पेपर लेना है, मेरे पास एक पेपर था ऐसा पेपर था एक, ये पेपर से मैं इसी के ऊपर एक राउंड बना के ले रहा हूँ, छोटा हमें राउंड चाहिए। आपके पास 25 पैसा रहेगा 1 रुपया रहेगा कौन सा भी चलता है, ये मैं कट करके ले रहा हूँ, ये कट करके ले रहा है, ऐसे कट कर एक हो गया, और एक उससे थोड़ा बड़ा लेके देता हूँ मैं, 2 रुपए का कॉइन भी रहेगा, 2 रुपए का 1 और 1 रुपए का 1, उसका जो साइज है ना वो अलग अलग है थोड़ा, इसका भी एक राउंड करके देखता हूँ और इसे हमें ये कट कर ऐसे कट करते हैं। ये सबसे सिंपल पिनव्हील है। अब बोलेंगे विंडमिल में क्या सर फर्क है, बता दो विंडमिल क्या है और पिनव्हील क्या है, आपको बताता हूँ। ये देखो 2 डिफरेंट रेडियस के, मैं आपको रेडियस नहीं बताया अंदाज से लिया है मैं कॉइन के हिसाब से। अभी हमें क्या करना है ये जो पॉइंट है ये इसके सेंटर पे मैं पेश करता हूँ, क्या करता हूँ इसके सेंटर पे, यानी मेरे को मैं क्या कर रहा यहाँ मैं प्रेस करता हूँ ऐसे पेस्ट किया। अभी इसमें अल्टरनेटिव लेना है क्या, अल्टरनेटिव ये थोड़ा करना चाहिए ऐसे प्रेस कर, एक ध्यान में रखो यहाँ फोल्ड नहीं करना है, यह फोल्ड करना नहीं है, अभी ये छोड़ना है और ये लेना है, अभी यहाँ मैं पेस्ट लगाएगा और ये खाली पॉइंट पेस्ट कर रहे हैं, पूरा 1 सेंटीमीटर तक जाना नहीं हो उसका कम हो जाएगा हाइट, ऐसा प्रेस करो। तो अभी ये छोड़ना है, अल्टरनेटिव लेना है हमें, ये यहाँ मैं ये प्रेस करता हूँ, ओके। देखो दिखने में एकदम इजी है लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकली है, उसके पीछे साइंस है कोई, अब सोचो जरा मन में ये क्यों ऐसे घूमता है, इसके पीछे क्या है, हाथ से घुमाएंगे तो भी फिरता है, घूम रहे हो और हवा से भी फिरता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है ये हमें सोचना पड़ेगा। ये देखो 1 2 3 4 हो गया। अभी देखो ये मैंने यहाँ टर्न किया है,
यहाँ प्रेस नहीं करना, अगर प्रेस करोगे ना तो फ्लैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा फ्लैट हो जाएगा, वो फ्लैट बनेगा, हमें फ्लैट नहीं करना है, हमें क्या है फ्लैट नहीं करना है वो, ओके ऐसा अपना पिनव्हील तैयार होगा। अब इसके आगे क्या, तो हमें पास दो राउंड है, कहाँ गया है, मैं एक सेंटर पे लगाता हूँ, इसके सेंटर पे लगा के लेता हूँ, यहाँ फेविकॉल लगाओ पीछे की तरफ और यह उसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये प्रेस किया, ओके अभी इसके पीछे एक लगाना है सपोर्ट के लिए, देखो सबके लिए सपोर्ट चल लगता है, हम जो पढ़ाई करते हैं हमें सपोर्ट लगता है, ये पिन व्हील को भी सपोर्ट लगता है, ओके देखो प्रेस किया, ये सबसे इजी फोल्ड का ये पिन व्हील बन गया अपना। अब देखते हैं बहुत सारे आपके नेट पे है लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग है, डिफरेंट है, कौन कैसे बनाएगा पता नहीं, ओके ये हो गया। अभी आप बोलेंगे इसके आगे क्या करना है सर, तो आपके पास एक पिन रहेगा, टाचनी मंटो टाचनी असेल तुमच्याकडे वो लेना है, तो झाड़ू का काड़ी जो रहता है वो भी चलता है। अभी एक ध्यान में रखो यार, ये जो सर्कल है ना इसका सेंटर पॉइंट परफेक्ट आना चाहिए, ये जो है ना ये परफेक्ट पॉइंट यहाँ आना चाहिए, तो हमें सेंटर मिलेगा उसका। अगर आप इधर आगे पीछे करेंगे ना तो जरा घूमने में जरा तकलीफ दे हो जाएगा। अभी यह हमें प्रेस करता है, झाड़ू का काड़ी रहता है वो भी चलता है अगर आपके पास नहीं है तो, ओके ठीक है, ये अपना पिनव्हील बन गया। अभी इसको सपोर्ट क्या देना है, आपके पास अगर स्ट्रॉ रहेगा, स्ट्रॉ मेरे पास था एक स्ट्रॉ का टुकड़ा, तो मैंने क्या किया 2 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, वो 2 सेंटीमीटर लिया है और इसके पीछे मैं ऐसा रखता हूँ, देखो ऐसा ऐसा रखता है, अपने पास पिन रहेगा वो भी चलता है, पिन से हम ये कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा रोल रहेगा, कागज का रोल, मैंने कागज का रोल बनाया है, दिखाता हूँ कैसे बनाना है, ये कागज के रोल के ऊपर ये हमें प्रेस करना है, लेकिन ये राउंड रखना है, ध्यान में रखो, देख लो फिर से, ये मैंने पिन लगाया प्रेस किया, बराबर है, ये पॉइंट से बराबर सेंटर पॉइंट चाहिए इसका, ये सर्कल जो है इसका सेंटर पॉइंट है, पिन अप किया मैंने, अभी मैं ऐसा टर्न किया उसको, बैक साइड से ऐसा राउंड डालना चाहिए, पेपर का भी कर सकते हैं आप लेकिन उसका लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर तक चाहिए, ये ताचनी रहेगा और ये कागज का ही है, इसके अंदर यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस छोड़ना है और ऐसा मैं प्रेस करता हूँ। और आपको ये नहीं जम रहा है तो हमारे घर में बड़े है भाई बहन सिस्टर रह ना, उनकी थोड़ी हेल्प लेना, ये देखो ये हो गया मेरा पिन व्हील, सबसे इजी पिन व्हील, इसको हवा एयर का प्रेशर आएगा ना तो ऐसा घूम रहा है, ऐसा हो गया सबसे सिंपल पिन व्हील, ओके। लेकिन ये 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में है, अभी जो हम बनाने जा रहे हैं ना वो 8 पार्ट्स में है, कितने 8 टुकड़े से बनेगा वो, पेपर लगेगा 2 पेपर से वो बनने वाला है, कैसा बनता है वो अभी हम देखेंगे। ये अपना सबसे बेसिक जो है पिन व्हील ये बन गया, देख लो कैसे मैंने किया है, हाँ ये पेपर का ही है स्टिक, आपके पास अभी स्टिक नहीं पता है, स्ट्रॉ भी नहीं है ठीक है, लेकिन ये हम कागज का रोल बनाएंगे, जैसे हम चिड़िया बनाई थी तभी मैंने सिखाया था रोल, बराबर है, ये सबसे टेक्निक इसका मालूम होना चाहिए, ये कैसा प्ले होता है, अंदाज से नहीं करना है कुछ भी, जो बाजार में टॉयज आते हैं ना अलग अलग प्रकार के टॉयज छोटे बच्चों के, वो कोई टेक्निकल रहता है थोड़ा उसमें, हाँ साइंटिफिक रीजन रहता है तो ये वो प्ले होते, ये देखो अगर मैं डायरेक्ट ऐसे प्रेस करता था ना ये नहीं घूमता था, ओके ये मेरा अभी पिन व्हील रेडी बन गया, दिस कॉल्ड एज पिन व्हील, मैं अभी ये साइड पे रखता हूँ। अभी दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ, स्क्वायर पेपर लेना है, समझो आपके पास 2 पेपर है, कितने पेपर है 2 पेपर, कौन सा भी कलर, तो 2 पेपर्स का वो पिन व्हील बन जाएगा। मैं क्या कर रहा है, मेरे पास पेपर के टुकड़े टुकड़े हैं, तो आपको अच्छा दिखना चाहिए ना इसलिए मैं अलग अलग कलर ले रहा है,
समझो ऐसे दो पेपर है मेरे पास, तो मैं क्या कह रहा है दोनों को ऐसा फोल्ड करेगा, एक ही फोल्ड के बना के दिखाता हूँ मैं। देखो ऐसा फोल्ड किया रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल के फोल्ड किया, फिर से फोल्ड अनफोल्ड। आपको ये पता है फोल्ड अनफोल्ड, सबसे यहाँ भी मैंने फोल्ड किया, स्क्वायर बन गया। अभी ये देखो मैं एक और उसका दो और कितने बन गए, चार ट्रायंगल बन गए, एक दो तीन चार, ये चार ट्रायंगल मैं कट करेगा, क्या करेगा कट करेगा मैं चारों ट्रायंगल्स, चारों ट्रायंगल्स कट करेगा मैं। एक मिनट एक पेपर लेता हूँ, ये चार हिस्से बन गए, कितने हिस्से बन गए पार्ट्स बन गए चार। अब ये कैसी का यूज करना है, कटर यूज नहीं करना है, ऐसे कट करना है। एक पेपर के चार बनते, दो पेपर के कितने बनेंगे आठ, कितने पार्ट्स बनेंगे एट, दो पेपर के एट बनेंगे, बराबर है, ये दो तीन चार। और दूसरा पेपर लेंगे और उसके चार बनेंगे, टोटल मिला के आठ, ये उसके टुकड़े बन गए। अभी मैं बड़ा पेपर लेता हूँ, मुझे बड़ा बनाना है, मैं क्या करेगा इसको फोल्ड करेगा, करेगा फोल्ड करेगा और इसका दो हिस्से बना के लेगा। मैं कटर यूज कर सकता है लेकिन आप लोग नहीं कर सकते, क्यों आप छोटे बच्चे हैं, हाथ भी थोड़ा लग जाएगा आपके हाथ। ये दो बन गए, ऐसे मेरे पास अलग अलग पेपर के मैंने कितने लिए थे मालूम है, देखो एक बाजू में रखता हूँ, एक रेड हो गया, ये येलो, टू ग्रीन, फिर से ब्लू, वॉयलेट, और दूसरा कितने बन गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और एक ऑरेंज लगा दो। देखो ये आठ कलर बन गए मेरे, कितने आठ। अब बोलेंगे सर हमें तो बोल रहे हैं आप दो कलर यूज करो, आप तो अलग अलग कलर यूज कर रहे, क्या है वो देखने वाले जो रहते हैं उनको जरा अच्छा लगना चाहिए, हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, सही की बात की नहीं। मैं एक पेपर से भी बना सकता हूँ, आठ पेपर से भी बना। अभी इसका करना क्या है, आपको सबसे बोला था पहले मैंने, ये सर कॉइन लेना है, कॉइन के दो कॉइन बना के लेना है, इसे कितने दो, देखो एक राउंड करके लिया और दूसरा उससे छोटा, ये दो बन गए, ये मैं साइड पे रख देता हूँ, पहले कट करके लेता हूँ बाद में हम आगे का काम करेंगे। ये बड़ा है, ये यूज कैसा करना है, देखो ये हम यहाँ से कट करते हैं, ऐसे ऐसे कट करते हैं, या ऐसा नहीं कभी कट होता, उसको कॉर्नर कॉर्नर आ जाएंगे। अभी क्या करना है, ये ऐसा ओपन करना है पूरा, बराबर, ये जो है ये ऐसे ऐसे संभाल के करो, ये ऐसे करते जाना, ओके एक बन गए और ये दूसरा, ये थोड़ा ध्यान दे दो, आपको नहीं समझ में आएगा आपको बार बार वीडियो देखना है, पिनव्हील अगर सीखना है तो हमेशा देखो, जब हमारा लेसन खत्म होता है ना तो ये यूट्यूब पे रहता है वीडियो, तो हमें पॉज कर कर करके देख के प्रैक्टिकल बनाना है, ओके। अभी क्या करता हूँ मैं साइड पे रख, अभी क्या करेंगे मैं, देखो हमेशा देखो कलर कॉम्बिनेशन रहता है, आपको पता है कि प्राइमरी कलर रहते हैं, मेरे पास एक क्यूब है, देखो ये जो इम्पोर्टेंट कलर है सबसे पहले ब्लू रहता है, कौन सा कलर है ब्लू, ये प्राइमरी कलर है ब्लू और रेड, देखो इधर रेड दिया है, ब्लू रेड और येलो, दिस इज प्राइमरी कलर, येलो ब्लू एंड रेड, रेड ब्लू येलो, और ये जो बाकी जो कलर यूज करते हैं ना वो सेकेंडरी कलर हो,
पेपर में भी ऐसा है, कलर कॉम्बिनेशन है, ध्यान में रखो। ड्राइंग में हम मिक्स करते हैं, लेकिन ये रेडीमेड कलर है, हमको ये एक से मिक्स पेपर मिक्स कर सकते हैं, इसमें कलर नहीं मिक्स होगा। अगर आपके पास व्हाइट पेपर है तो हम कलर यूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर, रेनबो कलर। ओके चलो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। क्या इम्पोर्टेंट है देखो, ये कितने लिए मैंने, 8 कलर अलग अलग लिए। अभी सबसे पहले मैं रेड कलर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, रेड कलर। अभी क्या करना है, अभी फेविकॉल लेता हूँ मैं, थोड़ा लेता फेविकॉल। ध्यान से देखना, ये अगर आ गया ना तो आप लोग जीत गए समझो, ऐसे नहीं हार गए, अगर जीत गए। देखो मैं ऐसे ट्रायंगल दिख रखता हूँ इधर, ये डायरेक्शन में रखता हूँ, इसका डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट, देखना है अस्थि देखो जरा, ये बराबर है, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट को मैं एक दूसरा पेपर, यहां भी ध्यान में रखना है, एक लाइट एक डार्क कलर लेना है, एक लाइट और एक डार्क। अभी दूसरा जो पेपर है देखो, मैं यहाँ फेविकॉल लगाता, ऐसा फेविकॉल लगा है, ठीक है। अभी ये हमें कैसा लगाना है, ये डायरेक्शन कैसा लगाना है, ये ऐसा होगा। अभी ये जो है इसके हाफ में लगाना है, ध्यान में रखो, ट्रायंगल और ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे। अभी क्या करना है, ये इसके ऊपर यहां मैं पेस्ट कर रहा हूं, देखो ये एंगल को बहुत इसको इम्पोर्टेंट है, कोई भी जो हम बनाते हैं ना वो क्या एंगल में रहते हैं। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक डार्क हो गया, एक लाइट, उसके बाद मैं और एक दूसरा कलर लेता हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा वो लेना है। अभी मैं यहाँ लगाते जाता, देखो क्या उसका एक अलग डिजाइन बनता है। देखो ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन, यहाँ से स्ट्रेट, बराबर है, दूसरा वही डायरेक्शन में अभी यात्री करते जाओ, ठीक है। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, पॉइंट बीच में यही रहेगा, ये ऐसा लगाते जाओ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें ये राउंड लगाना होगा, मैं इसको फोल्ड करता हूँ, इसे फोल्ड करता हूँ, और ये मुझे उसका सेंटर पॉइंट मिल गया, जहाँ मुझे ये सब सारे पेस्ट कर, अभी मैं इसका फेविकोल लगा के रखता हूँ ऐसे, उसको पेस्ट मिल गया ना, ठीक है, ऐसा जॉइंट के। अभी नेक्स्ट जो है येलो, अभी ग्रीन कलर ले लो। देखो आपको कलर की भी मालूमत होती है इससे, कौन कौन देखो ये कैसे आगे आगे डेवलप हो जा रहा है, देखो डिजाइन ये ऐसा लिया, अभी स्ट्रेट ले रहा है, लेकिन ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यह मैं ऐसे पेश करता, इसके ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अभी मैं ये यहाँ क्या करता हूँ, फेविकॉल लगा है। अभी ये जो है ये ऐसे लगा रहा, ये देखो इसका सिस्टम देखो कैसा है, ये ध्यान में रखना, ये हमें एंगल मिला रहा है तो हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। अब घर में किसी बड़े है, फादर सिस्टर मदर है अंकल, उसका हेल्प ले लो, नहीं समझ में आ रहा था, ओके ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन अच्छा दिखता है, आपको बेसिक तो मालूम हो गया। अभी मैं यहाँ लगाता हूँ, ये देखो ये कॉर्नर ध्यान में रखो, ये जो पॉइंट है ना ऊपर का, ये हमें मैच करना है, लेकिन उसको ऊपर ओवरलैप नहीं करना है, ऐसे बन गया, ओके। अभी दूसरा जो है ये यहाँ मैच कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 है, अभी तीसरा जो है कोई ऐसा कट हार्ड नहीं है, ये देखो ये स्ट्रेट है, एंगल है, यहाँ मैं पॉइंट करता हूँ, ज्यादा पेस्ट नहीं कर, खाली कॉर्नर, और ये मैं ये देखो ये कोना, देखो ये कोना,
ये कोना ध्यान में रखना है कि हमें वो कोने को और ट्रायंगल मिलना चाहिए, लेकिन गैप रखना जरूरी है। हो गया, ऐसे बनाते जाना है। अभी लास्ट का जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी वो लास्ट का कैसे मैच करेंगे हम, वो ध्यान में रखो। ये जो है ना अभी इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी क्या करना है, ये जो है ना एक पार्ट उठाना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस यहाँ तक आ जाएगा सबका रेडी रहेगा, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन लास्ट का जो है ना एक पार्ट जो है वो उसी के ऊपर उठाना है। देखो मैं यहाँ, ये हमें मैच होना चाहिए ना ये कॉर्नर, ये मैं ऐसा ऊपर की तरफ लेता हूँ थोड़ा और अभी स्टिक करता हूँ उसको। ये देखो अभी ये यहाँ आ जाएगा और ये उसके ऊपर आएगा, बस इतना ही ध्यान में रखना है। देखो स्क्वायर बन गया, ट्रायंगल बन गया और उसके अलग अलग कलर बन गए। देखो तो मैं एक जगह फंस गया, इधर सेम टू सेम कलर आएगा, कोई प्रॉब्लम चलता है। और अभी क्या करना है, अभी वन बाय वन उसको पेस्ट करते जाना है। देखो ये मैंने यहाँ लिया है, ये अभी यह मैं इधर पेश करता हूँ। और दूसरा जो है उसके बाजू में पेश करता हूँ। थोड़ा सा लगा ना फेविकॉल, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फेविकॉल लगा। ये देखो फेविकॉल कितना लगाता हूँ, थोड़ा सा मैं ऐसा, ये ऐसा, ओके। और ये पॉइंट पे यहाँ प्रेस करता, लेकिन आगे आगे जाना नहीं, सेंटर ध्यान में रखो। उसका सेंटर पॉइंट जो है ना वही हमें ये पेश करते जाना है, थोड़ा टर्न हो जाएगा। ये एट पीस का जो पिनव्हील है, देखो यहाँ मैं पॉइंट वही पकता, सेंटर सेंटर पॉइंट प्रेस करते जा रहा। दूसरा है ये यहाँ पेश करता हूँ, और तीसरा जो है वो यहाँ पेश करता हूँ। टू बी कंटिन्यू रखना है, ऑटोमेटिकली वो बन जाए। ये अगर आपको आ गए ना तब सब जीत गया, अपने व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं स्कूल के व्हाट्सएप पे कि सर मैंने बनाया, वेरी गुड, ऐसा मैंने प्रेस किया। लास्ट यहाँ हो गया। देखो हमें ध्यान में नहीं आता होगा कि ये कैसा बन गया, ये फोल्ड जो है ना फोल्ड करते करते देखो पिनव्हील बन गया मेरा, बड़ा पिनव्हील। और इसका यूज बहुत है, अभी देखो फेस्टिवल आ गए नए नए, अभी क्या मंडे को कृष्ण जयंती है, उसके बाद में क्या है गणपति फेस्टिवल है, तभी हमें डेकोरेशन के लिए ये काम पे आने वाली चीज है। अभी उसके बीच में मैं ये जो राउंड था ये यहाँ मैं बराबर उसके सेंटर पे पेश करता हूँ। पेपर मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया, 15x15 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसे ये पिनव्हील बनाया है। ओके अभी ये पिनव्हील मेरा रेडी हो गया। देखो यहाँ से भी देखो, कहीं से भी देखोगे ना तो ये पिनव्हील आपको परफेक्ट दिखाई देगा। ये जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट आना चाहिए। देखो इसका सीक्वेंस देखो कैसा है, ये सो सर्कल है, सर्कल के सेंटर से मैंने उसको पेस्ट किया है। यहाँ देखो कलर कॉम्बिनेशन दिखता है आपको, अगर आपको चाहिए ओनली टू कलर आप टू कलर में भी बना सकते हैं। ओके लेकिन ये अपना पिनव्हील ऐसा रेडी हो गया। अभी उसका डायग्राम मैं दिखाता हूँ, ये देखो नजदीक से दिखाता हूँ। ये देखो उसको मैंने नंबर डाल के लिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये नंबर से हम क्या करेंगे ज्वाइन करते जाएंगे। और लास्ट का जो है ना ये पीछे मैं दिखा रहा है, लास्ट का जो है ये देखो, ये टू नंबर्स का मैंने नंबर लिखे है उसके ऊपर, ये ऊपर करना है। देखो ये ऊपर की हम ये प्लेन दिखते है ना, कितना 1 2 3 4 5 6 7 पूरा दिखता है ट्रायंगल। लास्ट का क्या करेंगे तो हम इसके बीच में उसको रख देंगे, एक नंबर का जो है ये एक नंबर का जो है ऐसे ऊपर करेंगे और यहाँ फेविकॉल लगा के यहाँ हमें पेस्ट करना है। लेकिन ये इसका जो ट्रायंगल है यहाँ तक हमें ये लाना है, तो ये ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट का ध्यान में रखो सब, ओके। तो आपका ये पिनव्हील आर्ट का तैयार हो जाएगा। ये एक दिखाया, ये थोड़ा अलग है, ये ओरिगामी से बनाया हुआ है, ये आपको आ जाएगा। ओके okay?
ठीक है, अभी एक है हो गया, अभी ये दो हो गए। चलो अब अभी इसको लगाएंगे कैसे, फिक्स कैसे कराएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टिक लेना पड़ेगा, पेपर का लो या कौन सा भी ले लो, ये अपना न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर से भी बना सकते हैं, देखो इससे भी बना सकते हैं, या हमने जैसे हम रोल करते हैं वैसे रोल करते जाना, ऐसे रोल करते जाना। अच्छा पेपर है तो अच्छा पेपर ले लो, नहीं है तो ऐसे न्यूज़पेपर से भी हम बना सकते, ऐसे थोड़ा टाइट करो, या हो गया अपना रोल। और जो कम ज्यादा है उसको निकालो, छूट गया, ठीक है। ये रोल मैंने सबसे पहले दिखाया था, ऐसे यार फेविकोल लगा, ये रोल बन जाएगा, ओके। इसे भी हम कर सकते हैं, उसके पीछे जो लगाना है ये सब अपने को राउंड निकालना है, 2 सेंटीमीटर एक ना, एक निकालना। अगर आपके पास स्ट्रॉ है तो स्ट्रॉ यूज करो, स्ट्रॉ का टुकड़ा, नहीं है तो पेपर का यूज करो, तो भी नहीं है तो लकड़ी यूज करो, सब आपको मैंने बताया, लकड़ी भी यूज कर सकते हैं, पेपर से भी यूज कर सकते हैं, पेपर से बनाया हुआ था सबसे पहले मैंने आपको दिखाया रॉड, अभी ये लकड़ी में यूज करो, आपके पास झाड़ू का जो लकड़ी रहता है राउंड ये भी चलता है, मैं अभी ये यूज कर, अभी पेस्ट कैसे करेंगे इसको, या एक पिन लेना है बड़ा, आपके पास बड़ा रहेगा नहीं तो एक स्टिक ले लो छोटा सा, अभी इसका जो सेंटर है सेंटर पे मैं क्या करता हूँ उसको संभाल के करना है, ये जो है संभाल के करना है, ओके। अभी इसके पीछे ये जो है स्ट्रॉ यहाँ रखना है, स्ट्रॉ या पेपर का, पेपर का भी यूज कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ पेपर का है मेरे पास, ये पेपर से मैं 2 सेंटीमीटर लेंथ का राउंड करके लिया, ओके ये भी यूज कर सकते हैं, मैं अभी स्ट्रॉ यूज किया थोड़ा। अभी एक स्टिक लेना है, स्टिक को ऐसा पंच करना है, आपको नहीं जम रहा है तो बड़ों की हेल्प लेना है, आपको घर पे जो बड़े हैं ना अपने, फादर ब्रदर सिस्टर मदर अंकल फ्रेंड्स, उनकी हेल्प लेना है। ये मेरा पिनव्हील रेडी हो गया, ठीक है, मैं अभी कैमरा सामने लेता हूँ तो दिखाएगा, घर पे ही करना है ये ट्रायल करना है आपको सबको, ये जो है ना इसकी ट्रायल घर पे आपको करना है। अभी कैमरा में टर्न कर रहा हूँ थोड़ा, ओके थैंक यू, एक मिनट। अभी ये जो है ना, ये जो हमने बनाया है सबसे पहले हमने ये बनाया था, बराबर है, ये देखो बराबर है, लेकिन इसको एयर की जरूरत होती है, हवा से वो प्ले हो जाएगा, ये देखो ओके ऐसे हो जाएगा। अभी दूसरा जो है हमने जो बनाया ये थोड़ा बड़ा है, ये भी देखो ये थोड़ा अलग दिखता है, और इसमें फर्क देखो, ये सिंगल पेपर का है, इसमें हमें अलग अलग टुकड़े यूज किए, अभी ये भी प्ले होगा ऐसा, ओके इसे बोलते हैं पिनव्हील, ये हवा से घूमता है, ये देखो ये प्रेशर जैसे आते हैं ना एयर का वैसे वो प्ले होता है, ओके ओके। चलो हम आप लोग घर पे बनाएंगे, ये बनाओ या ये बनाओ, आपको मैंने अपने पीपीडी में दिया है कि आप कैसे बना सकते हैं, ओके चलो थैंक यू। अब एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, उसके बाद अपना लेसन जो है वो आज के लिए स्टॉप होगा।
चलो थैंक